हम दिखाते हैं कासगंज जिले का एक ऐसा गांव जो सरकारी योजनाओं को कहीं से कहीं तक अपने गांव में लागू नहीं करवा चुका। यहां धवा गांव है जो गंडन द्वारा ब्लॉक में आता है और जहां किश्वरी बेगम ग्राम प्रधान है। 5000 की आबादी वाले इस गांव में 2600 वोटर हैं, तो राशन कार्ड धारकों की बात करें तो 300 लोगों के पास यहां राशन कार्ड है, तो वहीं राशन कार्ड से वंचित लोगों की संख्या भी 150 है। विधवा पेंशन की बात करें तो किसी को भी यहां पर विधवा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन विधवा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या यहां पर 50 है जिन्हें विधवा पेंशन मिलनी चाहिए। तो यही हाल यहां वृद्धा पेंशन का है, जहां किसी भी लाभार्थी को वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा, लेकिन 50 से ज्यादा यहां पर लाभार्थी ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। तो वहीं विकलांग पेंशन के नाम पर यहां 3 लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है, तो 6 लोग विकलांग पेंशन से भी अभी तक वंचित दिखाई दिए। 70 शौचालयों का निर्माण यहां पर ग्राम प्रधान ने कराया, तो 8 इंटरलॉकिंग सड़कों पर भी काम कराया गया। 5 खड़ंजे ग्राम प्रधान द्वारा बनवाए गए, तो कब्रिस्तान में भी खड़ंजे की व्यवस्था की गई है ग्राम प्रधान से। जब केंद्र और राज्य सरकार से मांग के विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पंचायत घर यहां के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी योजना को ग्रामवासियों के बीच तय करने के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए पंचायत घर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र के साथ साथ शमशान घाट का सौंदर्यीकरण और 25 प्रधानमंत्री आवास के साथ साथ यहां पर नाले का निर्माण और स्वास्थ्य केंद्र और 150 शौचालय इस गांव को अभी और चाहिए, जो केंद्र और राज्य की सरकार ही दे सकती है। पानी निकासी के नाम पर यहां कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरह से ठप दिखाई दी। ग्राम प्रधान पुत्र अपने आलम अपने मैंने शौचालय भी बनवाए और खेंजा भी कराया, इंटरलॉक भी कराया, और जो है गाँव में काम बाकी है। आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है और पंचायती घर नहीं है, पानी का निकास नहीं हो रहा है हमारे गांव में, बहुत परेशानी है पानी की निकास की। और जो है जो शमशान घाट है उसके शमशान घाट की जो है टीन वगैरह जो है शमशान घाट जो है बनवाना चाहिए, वो नहीं बना हुआ है। आवास जो है बहुत से गरीब लोग हैं, यहाँ पर एक भी आवास नहीं मिला हुआ है ग्राम धवा में, एक भी जो है पात्र लोग हैं उनको एक भी आवास नहीं मिला है। मानदेय 3500 रुपये मिलते हैं, उसमें जो है में कोई भी लाभ नहीं है, और प्रधानी का मेहनत को देखे कम से कम जो है 10,000 तो मानदेय होना चाहिए।